और हमारे साथ यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ सत्याग्रह किसान यात्रा में मौजूद है। अजीत जी, जो किसान सत्याग्रह यात्रा की शुरुआत की गई है, इससे क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है जो तीन काला कानून लाया गया, राहुल गांधी जी हमारे आदरणीय को आप देख रहे हैं, पूरा कांग्रेस पार्टी उसके समर्थन में 4 महीना से ऊपर हो गया। किसान देश की आर्थिक स्थिति की रीढ़ होती है, 70% हमारे किसान है, वो अन्नदाता है, आप हम सभी उसके अन्न को खाते हैं। अगर ये काला कानून वापस नहीं होगा तो किसान गरीब हो जाएंगे, उनको MSP का रेट नहीं मिल रहा है, और इसलिए हम लोग ये काला कानून जब तक वापस नहीं होगा, पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ है, और जब तक वापस नहीं होगा हम लोग सड़क पर उतर के सदन तक आंदोलन करते रहेंगे। जी जी, एक और सवाल, सरकार केंद्र सरकार हमेशा ये बोल रही है कि MSP को खत्म नहीं किया गया है, लेकिन फिर ये सवाल क्यों आ रहा है कि MSP, क्या कोई कंफ्यूजन है? आपके माध्यम से 2014 से वो झूठ बोल रहे हैं, 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देने की बात की है, क्या उन्होंने एक भी व्यक्ति को रोजगार दिया? काला धन ला के गरीबों को 15-15 लाख देंगे, वो दिया गया? वो सिर्फ झूठ बोलते हैं। वो काला कानून इसलिए लाया गया है उनके दोस्त अडानी और अंबानी वो जमीन खरीद सके, अनाज को भंडारण करे, और जब किसान की उपज बाजार में आए तो वो भंडारण से निकाल के बेचेंगे तो किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, यह उनकी सोची समझी राजनीति है। रेलवे बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, अभी बैंक नेशनलाइज बैंक बेचने जा रहे हैं, वह सभी संपत्ति बेचने जा रहे हैं। इसे नरेंद्र मोदी का हम लोग कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करते हैं और जनता की अपेक्षाओं को खरा उतरने का काम करेंगे। और यदि किसी कृषि बिल को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी? आप हम जैसे घूम रहे हैं, किसानों को बताना चाहते हैं कि आपके खिलाफ ये कानून है, आप भी हमारे साथ आइए और कांग्रेस पार्टी ही इसको वापस कराएगी जनता के साथ मिलकर। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता अजीत शर्मा जी, जिन्होंने कहा कि वो किसानों के साथ है और यदि कृषि बिल को सरकार वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस उनके हक, किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ेगी।